हाय एवरीवन, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सैमी नेशन। इस वक्त हूं मैं बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम में और आज हम लोग निकल रहे हैं अपने अपने घर दिल्ली के लिए। बेसिकली आज हमें जाना था सालासर बालाजी, जो कि यहां से सिर्फ 2 घंटा दूर है, बट मुझे दिल्ली में कुछ अर्जेंट काम आ गया इसलिए अभी हमें निकलना पड़ रहा है। ये खड़ी हुई हमारी बाइक्स और एक्चुअली इनके पीछे कोई गाड़ी लगा के चला गया है, तो जब तक दोनों में से कोई एक गाड़ी नहीं हटेगी हमारी बाइक निकल नहीं पाएगी, तो अभी हम उन्हीं लोगों का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अपने घर के लिए। यहाँ से जो हमारा घर है वो है लगभग 5 घंटा 20 मिनट दूर, 268 किलोमीटर। एस्टिमेटेड टाइम अराइवल बता रहा है 4:45 बजे, बट कल हमें लगे थे टोटल 8 घंटे, क्योंकि हम मस्ती करते वगैरह आए थे। कल हमारे दर्शन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए थे यहाँ पे, बट एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है कि आप 5-6 घंटे की ड्राइव करके आते हैं यहाँ पे और जैसे ही आप जो खाटू श्याम जी की जो मूर्ति है उनके सामने आते हैं, वैसे ही वो जो वहाँ पे गार्ड्स होते हैं वो आपको कहते हैं जल्दी करो। तो मतलब हार्डली आप वहाँ पे वो आपको 2 या 3 सेकंड ही खड़ा होने के लिए अलाउ करते हैं। मतलब इतनी दूर हम आए हैं और इतनी जल्दी से दर्शन करा के भेज देना, ये थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही जल्द हम एक इंटरनेशनल ट्रिप मारने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है। अभी हम लोग रिंगस पहुंच चुके हैं और अभी भी यहाँ से हमारा घर 4 घंटे 40 मिनट और दूर है। बट आज एक थोड़ी सी गुड न्यूज़ ये है, कल के कंपैरिजन में आज थोड़ी सी गर्मी कम है। चढ़ा दे मेरे ऊपर। गाइज अभी लग रही है बहुत तेज भूख, बट अभी हमने सोचा है कि 1 घंटा और राइड करेंगे ताकि हम थोड़ा और रास्ता कवर कर ले और तब तक लंच का टाइमिंग भी हो जाएगा। दोस्तों एक बार व्यू देखो, मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि कौन से ढाबे से खाना खाए। इस हाईवे पे 3 ढाबे सबसे ज़्यादा फेमस है। सबसे पहला है होटल हाईवे किंग, दूसरा है ओल्ड राव और तीसरा है मन्नत। कल हमने खाया था होटल हाईवे किंग से, आज हम सोच रहे कि किसी और से ट्राई करें। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों का इस हाईवे का सबसे बेस्ट ढाबा कौन सा है। अभी लेते हैं एक फ्यूल ब्रेक क्योंकि मेरी पेट्रोल की लाइट जो है वो ब्लिंक होनी स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों यहाँ तो मैंने सिर्फ 600 का ही पेट्रोल डलाया है क्योंकि यहाँ पे जो पेट्रोल है वो 105 रुपये समथिंग है और हमारे दिल्ली में पेट्रोल है 95 रुपीज़ का, तो 10 रुपये का फ़र्क है। नेशनल हाईवे की एक बार हालत देखो, कितनी बुरी कंडीशन हो रखी है। और सिर्फ यही नहीं, पीछे भी बहुत सारे ऐसे पैचेस मिले जहाँ पे बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। नेशनल हाईवे के जब ये हाल है तो आप सोच सकते हो कि बाकी रोड्स की तो क्या ही हालत होती होगी। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अभी भी हम होटल हाईवे किंग से ही खाएंगे खाना क्योंकि अब बहुत तेज भूख लग रही है। गाइस कल हमने इसकी नीमराना वाली ब्रांच से ब्रेकफास्ट किया था और आज हम इसकी बहरोड वाली ब्रांच में लंच कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे हो रहे हैं हमारे सारे गैजेट्स चार्ज और हमारा लंच भी आ चुका है। हमने मंगाया है वेजिटेबल रायता, पनीर टिक्का मसाला, ये है दाल मखनी और अभी खाते हैं फटाफट क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोरों से भूख लग रही है। तो दोस्तों खाना पीना सब हो गया है हमारा, अब करते हैं अपनी जर्नी कॉन्टिन्यू। अभी भी यहाँ से हमारा घर लगभग 2.5 घंटा और दूर है और अगर मैं गर्मी की बात करूँ तो ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, वो आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट स्टॉप था, अब हम ट्राई करेंगे कि सीधा घर ही पहुँचें क्योंकि
अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटा और दूर है बस हमारा घर। दोस्तों इस फ़ोन स्टैंड ने मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इजी कर दी है। पहले जब हम बाइक ट्रिप पे गए थे तो कुमेर को पीछे नेविगेशन चला के फ़ोन पकड़ के बैठना पड़ रहा था, बट अब ऐसी मेहनत किसी को भी नहीं करनी। प्लस इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी है तो फ़ोन की चार्जिंग की भी टेंशन ख़त्म हो गई है। पहले मुझे लग रहा था कि शायद मैंने ये महंगा खरीद लिया है, बट मेरे हिसाब से ये पैसा वसूल चीज़ है पूरी। अब मैं आपको इस टूर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आपको खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी एक ही दिन में कवर करना है तो उसके लिए आपको सुबह 5 बजे निकलना होगा। 6 घंटे की जर्नी करके आप 11 बजे आराम से पहुँच जाएंगे खाटू श्याम जी। 2 घंटे में दर्शन करके आप 1 बजे तक आराम से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आप वहाँ से निकलिए सालासर बालाजी के लिए, जो है सिर्फ 2 घंटा। मोटा मोटा 3 बजे तक आप लोग सालासर बालाजी पहुँच जाएंगे और फिर आप वहाँ पर 1 घंटा लंच वगैरह कीजिए और उसके बाद दर्शन के लिए लाइन में लग जाएं। 6-6:30 बजे तक आप आराम से सालासर बालाजी में भी फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना वहां से डायरेक्ट घर के लिए निकल सकते हैं, यानी कि आप 12 या मैक्सिमम रात को 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो ये है आपकी एक दिन की आइटनरी। वहीं अगर आप इसी ट्रिप को 2 दिन के लिए करना चाहते हैं तो सुबह आराम से 8-8:30 बजे निकलिए खाटू श्याम जी के लिए। आप 2-2.5 बजे तक खाटू श्याम जी पहुँच जाएंगे। वहाँ पर फिर होटल में चेक इन कीजिए, फिर फ्रेश वगैरह होइए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए और 5 बजे चले जाइए खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। 7-7:30 बजे तक आप दर्शन वगैरह करके अपने होटल में भी आ जाएंगे। फिर बढ़िया सा डिनर करके आप रेस्ट कीजिए। अगले दिन आप लोग निकल जाइए सुबह अर्ली मॉर्निंग सालासर बालाजी के लिए। अगर आप 8 बजे भी निकलते हैं तो आप मोटा मोटा 10-10:30 बजे तक सालासर बालाजी पहुँच जाएंगे। 12-12:30 बजे तक दर्शन करके आप वापस दिल्ली के लिए निकल जाइए। तो ये 2 दिन की आइटनरी है। अब आप लोग देख लीजिए कि आपको कौन सी आइटनरी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। मेरे हिसाब से तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो 2 दिन की आइटनरी ही फॉलो कीजिए। इस आइटनरी में भागा दौड़ी भी कम रहेगी, प्लस आप आराम से दोनों जगह दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों अभी बज रहे शाम के 4:30 और हम लोग फाइनली गुड़गांव पहुँच चुके हैं। मेरे GoPro की बैटरी ख़त्म होने वाली है, इसलिए मुझे ये वीडियो यहीं पर एंड करनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी सीरीज़ आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपनी एक और नई सीरीज़ में। टिल देन बाय बाय।